अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टाइम न्यूज़ पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी लाए हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि पिछले 7 साल से अपने घर को छोड़े हुए है ताकि वो अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड करवा सके। दोस्तों, इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पहाड़ों को काट कर रास्ता भी बनाया जा सकता है और नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तफसीलात से आगाह करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हम आपको जिस शख्स के बारे में बता रहे हैं उस शख्स का नाम थॉर पैटरसन है। थॉर पैटरसन एक ऐसा शख्स है जिसने जहाज पर कदम रखे बगैर 194 ममालिक का दौरा कर लिया है। बदकिस्मती से कोरोना पेंडेमिक की वजह से थॉर कई महीनों से हांगकांग में फंसा हुआ है। थॉर पैटरसन ने 2013 में अपने घर डेनमार्क से ये मिशन शुरू किया जिसके मुताबिक थॉर पूरी दुनिया का चक्कर एक दफा में मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है बगैर एरोप्लेन को इस्तेमाल किए। थॉर बताते हैं कि उन्हें इस मिशन के बारे में दिलचस्पी तब मालूम हुई जब उन्होंने कंप्यूटर पर यह देखा कि दुनिया में किसी शख्स ने भी आज तक बगैर एरोप्लेन को इस्तेमाल किए हुए दुनिया का चक्कर नहीं लगाया। तो ये जानकर थॉर के दिल में एक दिलचस्पी पैदा हुई, क्यों ना एक ऐसा शख्स बना जाए जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाए बगैर एरोप्लेन को इस्तेमाल किए हुए। तो थॉर पैटरसन ने अपना सफर शुरू करने से पहले अपने लिए कुछ रूल्स सेट किए जिसके मुताबिक थॉर हर मुल्क में कम अज कम 24 घंटे गुजारेगा। जब तक ये मिशन कम्प्लीट नहीं होगा थॉर पैटरसन अपने घर नहीं जाएगा। अगर थॉर पैटरसन अपना ये मिशन मुकम्मल कर लेता है तो वो दुनिया का वाहिद शख्स होगा जिसने जहाज में कदम रखे बगैर दुनिया का चक्कर लगाया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि थॉर पिछले 7 साल से अपने मिशन को जारी रखे हुए है। अब तक थॉर 194 ममालिक का चक्कर लगा चुका है। थॉर पैटरसन को अपने घर डेनमार्क वापस जाने के लिए सिर्फ 9 ममालिक का चक्कर लगाना बाकी है जिसके बाद थॉर पैटरसन का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो जाएगा। कोरोना पेंडेमिक की वजह से पैटरसन को काफी मुश्किल का सामना है जिसके मुताबिक उन्हें मजीद 10 महीने लग सकते हैं अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए। इन 9 डेस्टिनेशन में पलाओ, वनुआटा, टोंगो, सेमाओ, टुवालू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। और आजकल हांगकांग में एक फैमिली के साथ रिहाइश पजीर हैं, जहां वो आजकल ब्लॉगिंग, हाइकिंग और मोटिवेशनल स्पीकर का काम कर रहे हैं। थॉर पैटरसन के मुताबिक वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक तारीख में किसी ने ना किया हो। पैटरसन कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मेरी कहानी से इंस्पायर होकर काफी लोग ऐसा करने का सोचेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया। थॉर पैटरसन बताते हैं कि वो शिपिंग इंडस्ट्री में 12 साल नौकरी करते रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें प्लानिंग करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं रहा। थॉर अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए कार्गो शिप्स, बसेस और ट्रेन में पिछले 7 साल से सफर कर रहे हैं। उन्हें इस दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना तब करना पड़ा जब वो सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद थे। उन्हें खबर मिली कि उनकी ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रही। इन दिनों थॉर मलेरिया का भी शिकार हो चुके थे। ऐसे में उन्हें काफी बार ख्याल आया कि अभी जहाज की टिकट करवा के घर चला जाऊं। थॉर पैटरसन को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वीजा हासिल करना भी एक मुश्किल तरीन काम साबित होता था। चैलेंज के 6 माह में पैटरसन बताते हैं कि वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि वो अपना पासपोर्ट उठाकर एयरपोर्ट जाने लगे थे। जहां जाते हुए रास्ते में उनकी एक शख्स के साथ दोस्ती हुई जिसे कि ज्यादा इंग्लिश बोलने भी नहीं आती थी, लेकिन उसने थॉर पैटरसन को वो पॉजिटिव एनर्जी हासिल करने में मदद की जिसकी वजह से वो आज इस मिशन को मुकम्मल करने लगे हैं। थॉर बताते हैं कि दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी दूसरे मुल्क से मुमासलत रखता है, लेकिन ग्रीनलैंड, ईरान, क्यूबा और इथियोपिया ऐसे ममालिक हैं जिनको किसी भी दूसरे ममालिक से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये अपनी अलग यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। थॉर के मुताबिक उनका सबसे खुशगवार तजर्बा उस दिन था जब वो पोलैंड में रात को एक सड़क के किनारे बेयारों मददगार खड़े थे। शदीद बर्फबारी हो रही थी। अचानक मारिया नामी खातून ने उन्हें आवाज देकर घर में रात गुजारने के लिए दावत दी। मारिया ने उन्हें अच्छा खाना पेश करने के साथ साथ सोने के लिए उमदा जगह भी मुहैया की। नाजरीन, थॉर पैटरसन अब इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द कोरोना पेंडेमिक खत्म हो जाए और वो बाकी 9 ममालिक का चक्कर लगाकर वापस अपने घर जाएं और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। थॉर पैटरसन को अपने इस मिशन के दौरान काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल से मुश्किल वक्त से वो गुजरते गए और आखिरकार अब वो दिन आने ही वाला है जब थॉर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करवा लेंगे और वो दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स बन जाएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया वो भी बगैर एरोप्लेन में पांव रखे। दोस्तों, थॉर ने ये साबित कर दिखाया कि इंसान अगर कोशिश और मेहनत करता रहे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो मुमकिन नहीं बना सकता। हमें भी इस बात से सीखना चाहिए कि जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाते जाना चाहिए और अपने काम को लगन के साथ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए मजीद ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे।